नूरपुर के कस्बा जसूर से सब्जी मंडी के पीछे खड्ड के किनारे अप्रवासी लोग ठहरे हुए हैं। दिन प्रतिदिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनका कोई अता पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और इनकी पहचान क्या है। इनके छोटे छोटे बच्चे जसूर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बाजार में अक्सर भीख मांगते देखे गए हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ये प्रवासी खड्ड के किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं। नूरपुर के कस्बा जसूर के सब्जी मंडी के पीछे खड्ड के किनारे अप्रवासी लोग ठहरे हुए हैं। दिन प्रतिदिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनका कोई अता पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और इनकी क्या पहचान है। इनके छोटे छोटे बच्चे जसूर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बाजार में अक्सर भीख मांगते देखे गए हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ये अप्रवासी खड्ड के किनारे तंबू लगा कर रह रहे हैं। बरसात में इस खड्ड का पानी काफी उफान पर होता है, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जब नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक कमेटी का गठन किया, जिसमें कुछ अलग अलग विभागों के अधिकारी कमेटी में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने गठित कमेटी को साथ लेकर औचक निरीक्षण किया और सभी अप्रवासी लोगों से बात की। अप्रवासी लोगों का ब्योरा लिया गया और पुलिस को निर्देश दिए गए कि इन अप्रवासियों का ब्योरा लिया जाए। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पता चला था कि कुछ अप्रवासी जसूर में खड्ड के किनारे रह रहे हैं। बरसात का मौसम है, पिछली बार खड्ड काफी उफान पर थी, जिस कारण इन्हें खड्ड से दूर रहने के लिए बोल दिया है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई और शिक्षा संबंधी भी बात की गई। पता चला कि पिछले एक दो महीने से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पुलिस को निर्देश दे दिए हैं कि इन सब का ब्योरा लिया जाए कि ये कितने लोग हैं और कहाँ से आए हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए एक टीम गठित कर दी गई है जो इन सब के स्वास्थ्य की जांच करेगी। SDM ने अप्रवासियों को जल्दी से जल्दी खड्ड छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। SDM ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खड्ड व नालों के समीप न जाए, बरसात के मौसम में पानी आने का खतरा रहता है। आप सबको जैसे विदित है कि अभी मॉनसून जो है हिमाचल में स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी बारिशें भी हो रही है। गत वर्ष यहाँ पर बड़ी तेज फ्लड आया था और फ्लड के आसपास जो है इन लोगों ने फ्लड एरिया के आसपास इन्होंने अपनी शरण लेकर रखी हुई है। अभी इनसे पूछताछ में पता चला कि जस्ट एक दो महीना से यहाँ पर रह रहे हैं ये, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ इनह्यूमन कंडीशन में ये रह रहे हैं। ये इन लोगों ने अपने नाम जो है पुलिस में दर्ज कराए हैं। मैं SHO साहब को यहाँ से निर्देश दे रहा हूँ कि वो जो है इन सब का मुझे एक दो दिनों में मुझे इनकी सारी इंस्पेक्शन करके बताए कि कितने लोग हैं ये, लोग कहाँ से आए हैं ये, इनके पास कितने बच्चे हैं। बहुत छोटे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ कि 2-3-4-5 साल के बच्चे, कुछ 10-20 के आसपास बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी स्कूलिंग का और उन सब का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो है ये सेंसियर फ्लड प्रोन एरिया के पास है, यहाँ फ्लड आता रहता है और इसको यहाँ से हम इनको इवैक्यूएट करके कहीं सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के मैंने इनको निर्देश दिए। मैंने लेबर ऑफिसर भी हमारी इस जॉइंट इंस्पेक्शन टीम में शामिल है, मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि ये इनके वेयर अबाउट्स फाइंड आउट करें और इनके जो देखा जाए कि चाइल्ड के कोई प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या इनके साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही है, क्या ये इनसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम तो नहीं करवाया जा रहा है, या फिर इनके जो है अदर देन जो भी बच्चों के जो नेशनल कमीशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स उनके जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को मैं 100% इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा। बी इट देयर एजुकेशन राइट्स, बी इट देयर हेल्थ इश्यूज़ या कुछ और भी हैं जो भी इनके राइट्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे।